नमस्कार दोस्तों, आपसे का स्वागत करते हैं शेयर बाज़ार में, यानी कि विक्की बैंक निफ्टी यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज एक शेयर लेके लाया हूँ, बहुत ही चर्चित IEX इंडियन एनर्जी बोलकर ये शेयर है। इससे ज़्यादा मैं इसके शेयर के बारे में कुछ भी नहीं बोलूँगा, चलिए डीप टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। ये शेयर मंथली टाइम फ्रेम में मैं खोला और यहाँ पर एक फिबोनाची लगाऊँगा। क्या? फिबोनाची। फिबोनाची यहाँ लगाऊँगा, यहाँ से मूवमेंट शुरू हुआ था, ये बूम। ये शेयर भी ठीक वैल्यू बाइंग है। क्यों वैल्यू बाइंग? क्या होता है वैल्यू बाइंग, इसके आगे वाले वीडियो में आप लोगों ने सीखा होगा। जब भी कोई शेयर मंथली में RSI का 40 पर सपोर्ट ले बार बार, अगेन एंड अगेन, तो समझ लीजिए वो वैल्यू बाइंग होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, जब यहाँ पर शेयर 60 रुपये से चला गया आपको 316 रुपया, मिनिमम 300% रिटर्न बहुत ज़्यादा होता है। इस तरह का रिटर्न मिला और उसका रिटेस्टमेंट कितना हुआ? 78। मतलब यदि ये 100 रुपये बढ़ा तो 78 रुपये गिर गया, बचा इसका 12 रुपये प्रॉफिट, 12 से 22 रुपये इसका बचा, यानी कि 22 रुपये, सॉरी फ्रेंड, 22 रुपये ही बचा। मतलब ये बहुत उछाल आया तो उसमें उतना ही करेक्शन आया। अब इसी जगह में आके एक लास्ट एंगल फिन कैंडल, ये मेरा फेवरेट कैंडल है, एंगल फिन, लास्ट एंगल फिन, नॉट बुलिश एंगल फिन या बियरिश एंगल फिन, इट्स कॉल लास्ट एंगल फिन कैंडल। क्यों? क्योंकि इसके लो को ब्रेक करने का कोई ताकत ही नहीं है मार्केट में। इसको लो को ब्रेक कर दिए तो ये शेयर का मतलब धज्जिया उड़ जाएगा, ये 2 रुपये में आ जाएगा शेयर, 30-40 रुपये में आ जाएगा। ये होता है लास्ट एंगल फिन का पावर। आप लोगों ने नहीं देखा अभी, मैं ये मेरा फेवरेट कैंडल है अब तक का शेयर मार्केट का मेरा इतिहास में। तो ये देखिए, मंथली में ये 40 पर सपोर्ट कर रहा है, दैट मीन्स वैल्यू बाइंग। साथ में हाई वॉल्यूम में, यहाँ देखिए रेड कैंडल में 1,355.11 मिलियन वॉल्यूम है। ये देखिए यहाँ पर देखिएगा, यहाँ देखिए, है ना, है कि नहीं वॉल्यूम? यदि टॉप पर वॉल्यूम है मतलब सेलिंग हो रहा है, बॉटम पर वॉल्यूम है मतलब बाइंग हो रहा है। मंथली में हम लोगों ने यही देखा, इससे ज़्यादा नहीं। वीकली में देखिए एक पैटर्न क्रिएट हुआ है, आउटसाइड इनसाइड विद 40 सपोर्ट, ये पैटर्न। इसी पैटर्न के लिए मैं यहाँ पर इस्तेमाल करता हूँ BB यानी बोलिंजर बैंड नामक। ये देखिए देखिए, मार्केट जब एक रेंज में है तो फिर RSI बता रहा है कि ये शेयर में एक आग सा लग रहा है, मतलब शेयर ऊपर की तरफ उठने की कोशिश करिए अगेन एंड अगेन। साथ में हाई वॉल्यूम के साथ ये देखिए वॉल्यूम भी साथ में चला, 42 मिलियन वॉल्यूम है और एक बार फिर से 20 डे मूविंग एवरेज को टच कर रही है। और यदि इसको ब्रेक कर पाई तो शेयर का सेकेंड टारगेट कहाँ होगा? चलिए वो भी निकालना बहुत आसान है, ये आपका सेकेंड टारगेट हो जाएगा 163। बहुत ईजी, आने वाले कुछ ही दिनों में आपको अचीव हो जाएंगे 163 160। अभी 137 स्टॉप लॉस, बहुत ही मिनिमम आपके हाथों में 124 का स्टॉप लॉस और आगे का टारगेट, या फिर 120 का स्टॉप लॉस, आगे का टारगेट 160 का आप लोग एकदम इमीडिएटली अचीव कर पाएंगे यदि इसको ब्रेक कर पाती है 20 डे मूविंग एवरेज को तो। और साथ में RSI भी यहाँ पर रजिस्टर करेगी, थोड़ा सा दिक्कत है, 1 डे टाइम में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये देखिए दिक्कत का निवारण हो चुका है, कैसे? क्योंकि यहाँ पर देखिए गैप है, इस गैप को मार्केट ने फिल कर दिया, बहुत ही कोशिश के साथ जद्दो मेहनत लगाया है मार्केट इसको ब्रेक करने के लिए और हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट किया, क्योंकि यहाँ पर कोई भी कैंडल में वॉल्यूम नहीं, बट इस कैंडल में वॉल्यूम है, ये कंफर्म कर रहा है स्क्वीज ओपन हो रहा है। कितना सारा सिग्नल मिल रहा है, 60 के ऊपर जा रहा है, स्क्वीज ओपन हो रहा है, हाई वॉल्यूम है, कैंडल ब्रेकआउट कर रहा है, गैप फिल हो गया। कितना सारा सिग्नल मिलता है जब मार्केट ऊपर की तरफ मूवमेंट देती है या फिर डाउन साइड भी देती है तो सिग्नल दे के जाती है, जैसे कोई भी गाड़ी आता है तो सिग्नल दे के ही जाता है, सिग्नल पर रुकेगा, सिग्नल मिलेगा तो बढ़ेगा, या फिर ट्रेन या फिर एरोप्लेन या फिर गाड़ी, आपका साइकिल भी सिग्नल पर ही चलता है। आप नहीं मारोगे पेडल तो साइकिल भी नहीं बढ़ेगा आगे, ठेलो भाई ठेलो, सिग्नल दे रहे हैं आप उसे मार मार कर। उसी तरह से मार्केट में सिग्नल, अब यहां पर गाना मत गाने लगना सिग्नल सिग्नल करके, है ना। तो चलिए, टारगेट आपको बहुत ईजिली अचीव होंगे, बस इस टारगेट के, ये टारगेट अचीव होने के बाद ही मैं ये कोई एक और वीडियो बनाऊंगा। और वैल्यू बाइंग क्या होता है आप लोग समझ लिए, डाइवर्जन। इतना सारा सिग्नल मिलने के बाद यदि आप लोग ट्रेड नहीं कर पाओगे, खुद पर कॉन्फिडेंस नहीं आता है, तो फ्रेंड आप लोग ट्रेडिंग करियर छोड़ के चले जाइए, जूता चप्पल सीने का काम कीजिए या फिर चौमिन धोइए,
चौमिन दुकान में काम कीजिए 300-400 में। इतना सिंपल टेक्निकल एनालिसिस यदि आपको समझ में नहीं आता, इतना सारा सिग्नल यदि आपको समझ में नहीं आता है, पढ़ने नहीं आता है, तो आपके लिए ट्रेडिंग लाइफ नहीं है, बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा। क्योंकि इतना सिग्नल देने के बाद भी आप लोग नहीं समझेंगे तो फिर बोलते हैं गधे के आगे बीन बजाए गधा चले बौराए, वही हालत हो जाएंगे। तो फ्रेंड ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। इतना सारा सिग्नल देने के लिए आप लोग एक कमेंट जरूर कीजिएगा। फिर भी यदि ना समझ में आए तो मैं आपका भाई बिकी चौधरी यानी कि बिकी बैंक निफ्टी का फाउंडर एंड CEO यहाँ पर बैठा है, एंड भाग्य लक्ष्मी एकेडमी और साथ में बिना फैब्रिकेशन यूट्यूब का चैनल का फाउंडर और बहुत ही कुछ मैं काम करता हूँ ऑनलाइन, उसका मैं फाउंडर हूँ। आज आपके सामने बोल रहा हूँ बार बार कि यदि आपको ना समझ आए तो कमेंट कीजिएगा, आपके लिए आपका भाई तत्पर एक और वीडियो अच्छी तरह से बना देगा आपको समझाने के लिए आपके स्पेशल डिमांड पर। तो फ्रेंड्स वीडियो में इतने मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।